नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। शास्त्री पार्क वार्ड 213 के बुलंद मस्जिद कॉलोनी में 50 अधिक लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। गांधीनगर विधानसभा के शास्त्री पार्क वार्ड 213 के बुलंद मस्जिद कॉलोनी में आम आदमी पार्टी के गांधीनगर विधानसभा के संगठन मंत्री कमल अरोड़ा की अध्यक्षता में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 50 अधिक लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के गांधीनगर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी नवीन चौधरी उर्फ दीपू चौधरी, विधानसभा के VCI करण पुंडीर, पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी राजेश शर्मा, पूर्व मनोनीत पार्षद हसीब उल हसन राजू, मदन मोहन, मिंटू चंद्र झा, राशिद अली, कृष्णा नगर के VCI अनिल शर्मा, डॉक्टर पासा, लियाकत खान, मोहम्मद अनीस, अब्दुल जब्बार, मोहम्मद हसीन आदि मौजूद थे। सभी ने आगामी निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीतने की अपील की और आप सरकार के कार्यों से अवगत करवाया को आदर्श मानकर आज 50 से ज्यादा साथियों ने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली, जिससे हमारा परिवार और बड़ा हुआ है। सामने नजर कैमरे में नवीन चौधरी दीपू के साथ हमारे राजेश शर्मा, कमल अरोड़ा, डप्पू। इस तरह से आम आदमी पार्टी काम कर रही है और उसे रोकने के लिए दिन और रात मोदी सरकार कभी जेल में डाल रही है, कभी हमारे काम रोक रही है, कभी दिल्ली सरकार की पावर छीनी जाती है, कभी हमारे मंत्रियों को जेल में डाला जाता है, कभी हमारे विधायकों को जेल में डाला जाता है। मगर वो ये भूल रहे हैं कि आम आदमी पार्टियों जो ईमानदार सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, जिसके अंदर कट्टर ईमानदारी है, ये एक नेता को नहीं, ये सारे विधायकों को और आम आदमी पार्टी के एक एक वॉलंटियर को भी अगर जेल में डाल दे तो अलहम्दुलिल्लाह कितना ये जेल में भरेंगे उससे कहीं ज्यादा ये आम आदमी पार्टी पूरे देश के पक्ष में लड़ाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी है ज्यादा एक एक सिपाही ईमानदार आने में कोई प्रयास नहीं है, लेकिन हर चीज का सहयोग टाइम होता है। आप लोग मुझे बुलाए, प्यार से बुलाए, कुछ तकलीफ में बुलाए, आप मुझे खड़ा रहा और उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन अभी सर पर है। मेरे से लगता है कि शायद ये आने वाला जो महीना आ रहा है अक्टूबर नवंबर में शायद इलेक्शन हो जाए, तो उसकी तैयारी